लोकेश जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे मन में कुछ भाव आते थे, परंतु आपकी आज्ञा याद आती थी कि नाम जप और आज्ञा पालन करो तो गुरु के पास ही हो। परंतु गुरुदेव, कुछ दिन पहले एक एकांतिक वार्तालाप में आपने किन्हीं साधक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमारी नजरों में रहो, आते जाते रहो, जब हम देखेंगे कि ये सेवा में है तो तुम्हारे ऊपर हम शासन करेंगे, कि हम तुम्हारी गलतियों को प्रकाशित बताकर तुम्हें ठीक मार्ग पर चलाएंगे। गुरुदेव, मेरे मन में हमेशा ये भाव आते हैं कि आप मुझ पर शासन करके अपनी आज्ञा में चलाएं, दूर रहकर मुझे ये पूर्ण रूप से संभव प्रतीत नहीं होता, कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, अगर गुरु को मनुष्य समझोगे तो ये बात है, अगर गुरु को परमात्मा तत्व मानोगे तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, तुम जहाँ हो वहीं तुम्हारा गुरुदेव आसपास तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हारे हृदय में बैठा है, तुम्हारे बाहर बैठा हुआ है। गुरु को मनुष्य समझोगे तो मनुष्य एक देशी होता है और वो फिर रक्षा नहीं कर पाएगा। एक देशी एक देश में रक्षा कर सकता है, लेकिन सर्वत्र विराजमान जो गुरु को मानता है वही सुरक्षित रहता है। आप जहाँ भी हो गुरुदेव के सामने, कोई भी गलत काम करने के पहले देखो कि गुरुदेव विराजमान जड़ में, चैतन्य में, सब में गुरुदेव विराज, तभी तो वास्तविक गुरुदेव का आप पूजन कर रहे हैं, गुरुदेव की आप महिमा को जान रहे हैं। नहीं तो फिर गुरुदेव कमरे में बैठे एक देशी हैं तो बात नहीं बनेगी। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कुछ बातें बच्चा ऐसी होती हैं कि जो सामने वाले के अनुसार उत्तर दिया जाता है, वो सबके लिए नहीं हो सकता। अब जैसे मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ आई हैं, लेकिन डॉक्टर एक ही बुखार है लेकिन अलग अलग पावर की दवाई देगा, अलग अलग। अब कह दो वो टेबलेट शुरू दिया हमको भी दो, तो नहीं है, उसके मन के अनुसार, चलो अपने नहीं। ऐसे मानो किसी उपासक को देख रहे हैं उस समय हमारे अंदर स्फुरणा हो रही, ऐसा ही इसको उपदेश देना है। अब वो सार्वजनिक नहीं होगा, केवल उस व्यक्ति की अवस्था स्थिति के कारण उसको उपदेश दिया जाता है। ये बात सब, जैसे हम तो मतलब प्रश्नकर्ता की स्थिति देखकर कहते हैं, जरूरी नहीं कि आप तिलक लगाइए, जरूरी नहीं कि आप कंठ बांधिए, अगर परिवार में विरोध होता है, झगड़ा होता है, मत कीजिए, राधा राधा बोलिए। अब ये सिद्धांत तो नहीं हो गया ना, ये पर्सनल उसके लिए उपदेश, उसकी परिस्थिति के कारण उपदेश है। ऐसे कई उपदेश होते हैं जो परिस्थिति के कारण उसके लिए केवल होते हैं, सार्वजनिक नहीं होते। तो ऐसे प्रश्न अगर अपने दिमाग में आए तो उत्तर ले लेना चाहिए। हमको हमें देखना है हमारे योग्य क्या है, हमारे लिए क्या आदेश है, उसके लिए ऐसा आदेश तो ऐसा तो नहीं कि उसके जैसा ही मेरे को आदेश है। अगर वो सार्वजनिक है तो बात अलग है, अगर पर्सनल उपदेश है। अब यहाँ सार्वजनिक उत्तर कम, पर्सनल उत्तर होते हैं। जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपकी तरफ देखा, आपकी स्थिति क्या है, आपकी भावना क्या है, उसके अनुसार उत्तर वहाँ जो बोलते हैं वो सार्वजनिक बोलते हैं। सत्संग हो रहा है, किसी का प्रश्न नहीं, वो सार्वजनिक है, सबका बराबर अधिकार है, उसको ग्रहण करो। लेकिन यहाँ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसमें विचार करना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति किस परिस्थिति में है, किस स्थिति में है, उसके अनुसार उसको उत्तर दिया जा रहा है। समझ रहे ना?